गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर क्लास। इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव डाउट अबाउट चेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस लाइक स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। इन दिस क्लास वी विल सॉल्व सम एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। हम लोग एक्टिविटी टाइप का मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है। हम आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे आपको क्लासिफाई करना है कौन सा चेंज, कौन सा परिवर्तन स्लो में है, फास्ट में, फिजिकल में, केमिकल में। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में करेंगे, नोट डाउन करेंगे हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करो सभी, क्वेश्चन दे रहे हैं ये आप कॉपी पे करें और मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्लासिफाई, सभी लिखोगे ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग ठीक है, लिखो फॉलोइंग एज स्लो चेंज एंड फास्ट, ठीक है। सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। पहला है आपका कर्लिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें बर्निंग पेपर, तीसरा है आपका निल मेंस एंड हेयर ग्रोथ, दिख रहा है ना बोर्ड पे सौम्या, दिख रहा है, बस मैम। ठीक है। आपको क्लासिफाई करना है, यानी कि बताना कि कौन सा स्लो चेंज पे है, कौन सा फास्ट चेंज पे। आप सिंपली इसके बगल में आप अपनी कॉपी में स्लो चेंज है तो एस लगाइए और अगर फास्ट चेंज है तो एफ लगाइए, ठीक है। हम समझ जाएंगे, क्लियर क्लियर अर्पित, क्लियर तानिया। अगर ये स्लो चेंज का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आप बगल में एस बना देंगे ऐसे, ठीक है। अगर ये फास्ट चेंज का एग्जाम्पल है तो एफ बना, हम समझ जाएंगे कि ये आंसर सही हो गया है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग पेपर, नेल्स एंड हेयर ग्रोथ, ठीक है। चौथा लिख लें, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिख रहा है, पांचवा लिखे, पता नहीं ना पापा, बहुत सही, पांचवा ऑफ बलून, मैम रस्टिंग का मतलब क्या होता है? बोस्ट मतलब होता है फटना, बोस्ट का मतलब होता है मैम उसका फटना, मतलब नहीं, रस्टिंग 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 मतलब कल मैंने बताया था ना, जब हम लोहे को मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसपे कुछ ब्राउन रेडिश कलर का सब्सटेंस मतलब उसका कोट, उसका कुछ लेयर बन जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जंग का लगना ये प्रोसेस ही कहलाता है रस्टिंग, रस्ट कहलाता है जंग और प्रोसेस कहलाता है रस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दें, लिख लिया सौम्या, काव्या,
कैमरा तो ऑन कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, नीचे लिखा रहे हैं, 5 हो गया, 4 हो गया, अब छठा लिखो, फ्लड्स, बाढ़। बाढ़ किसमें आएगा भाई? फ्लड्स, ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो, और नीचे लिखा पाए तो ये वाला आपको फर्स्ट थर्ड से हम हटाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम हटाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 में चलते हैं। 7 एग्जाम्पल है आपका ब्लोइंग ऑफ बलून। ब्लो मतलब समझते हो, ब्लोइंग ऑफ बलून, ठीक है। 8 है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यानी कि रबर को तरह से स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। और 9वां एग्जाम्पल है आपका राइटिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर सबने? समय हो गया, पहला मैं दिया था कर्डलिंग ऑफ नेल्स, दूसरा दिया था मैंने बर्निंग ऑफ पेपर, तीसरा दिया था नेल्स एंड हेयर ग्रोथ, चौथा मैंने दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन, पांचवा दिया था बोस्टिंग ऑफ अ बलून, फ्लड दिया था ब्लोइंग ऑफ बलून्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, और लास्ट हमारा था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपको कैटेगराइज करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये किस में आता है, स्लो में कौन सा आता है, फास्ट में कौन सा आता है। मैंने आपको बताया कि आप उसके बगल में अगर एस लिखते हैं देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि ये स्लो चेंज है, अगर ये फास्ट होगा तो एफ लिखेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके उनके सब अपनी कॉपी दिखाएंगे, अभी हम देखेंगे। सौम्या हो गया, जिसको जिसका मैं मतलब नाम लूंगी वो मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर सबका हो जाए तो इधर से करोगे, हो गया, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हो गया। अर्पित हो गया, अर्पित हो गया, तानिया की तरफ से आ गया है, यस मैम, अर्पित की तरफ से भी यस, अर्पित हो गया है, तो अपनी तरफ का माइक अनम्यूट करो ना। अर्पित नहीं हो रहा है माइक अनम्यूट अपने साइड से, मैम हो गए हैं। ठीक है, जिनका हम नाम लेंगे वो मुझे बताएंगे, ठीक है। अर्पित, मैंने एक एग्जांपल दिया है बाढ़ फ्लड, ठीक है, बाढ़, तो बाढ़ किसमें आएगा, स्लो चेंज में या फास्ट चेंज में? अर्पित, मैम बाढ़ फास्ट में मैम। वेरी गुड। सौम्या, नेक्स्ट सौम्या, मैम प्लीज साइड। यस मैम। सौम्या मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। नेल्स एंड हेयर ग्रोथ ये किसमें आएगा, फास्ट चेंज में या स्लो चेंज में? वेरी मैम स्लो। गुड। तानिया, नेक्स्ट तानिया, यस मैम। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर ये स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है? मैम फास्ट चेंज। वेरी गुड। वैष्णवी, 6F, यस वैष्णवी, मैम। कर्डलिंग ऑफ मिल्क स्लो चेंज या फास्ट चेंज? मैम स्लो चेंज। वेरी गुड, इतना डर के नहीं एकदम बोलना है, हाँ स्लो चेंज बिल्कुल सही है। कनक, यस मैम। बर्निंग ऑफ पेपर स्लो या फास्ट?
मैम फास्ट वेरी गुड काव्या, काव्या यस मैम रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो या फास्ट स्लो वेरी गुड वाह आपने बहुत अच्छे से कर लिया वेरी गुड सौम्या एक बार सभी जो एग्जांपल मैंने दिया है उसको कैटेगराइज किया आपने ना तो उसको कैटेगरी में डाला होगा एक एक पूरे एग्जांपल को आप एक बार मुझे बता दो ताकि बारे बाकी बाकी जो स्टूडेंट है वो सुन लें पहला एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क स्लो या फास्ट मैम स्लो चेंज नेक्स्ट एग्जांपल बताओ एग्जांपल पढ़ो उसमें बताओ आंसर मैम बर्निंग पेपर का फास्ट चेंज वेरी गुड नेक्स्ट नेल एंड हेयर ग्रोथ का स्लो चेंज वेरी गुड रस्टिंग ऑफ आयरन मैम रस्टिंग ऑफ आयरन का फास्ट स्लो चेंज वेरी गुड बर्स्टिंग ऑफ अ बलून रस्टिंग ऑफ बलून का बलून अगर फट रहा है तो वो ऐसे मैम फास्ट गुड नेक्स्ट फ्लड बाढ़ आने से पहले 2-4 घंटे पहले मतलब चल जाता है हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है क्या बढ़ाने में तो फटाफट होता है ना तो ये स्लो या फास्ट यस मैम फास्ट वेरी गुड ब्लोइंग ऑफ बलून मैम फास्ट वेरी गुड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर मैम फास्ट वेरी गुड राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स मैम फास्ट फास्ट मैम मुझे इसका मतलब ही नहीं समझ में आया फलों का पकना या तुरंत पक जाता है राइपनिंग का राइपनिंग मतलब होता है पकना अब अगर ऐसे तो नहीं कि आम आम का आम जो है कच्चा आम होगा तुरंत पक गया टाइम लगता है ना तो फलों का पकना स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है आपको हमें आप बता दोगे यस मैम स्लो चेंज ठीक है अब हम लोग जो एक दूसरा पढ़ करेंगे इसमें हम लोग स्लो ना करके हम लोग क्या करते हैं केमिकल और मेडिसिन कर देते हैं फिजिकल हम कुछ एग्जाम्पल देंगे उसको फिर से आपको क्लासिफाई करना हमको देखना है कि आप लोगों को कितना समझ में आया है मेरे ख्याल से लगभग लगभग स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर किया है यहाँ पे वही रहेगा बस आपको करना है फिजिकल चेंज और यहाँ पे कर देना आपको केमिकल चेंज ठीक है तो हम एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं आपको वो आपको करनी है ठीक है पहले रिवर्सिंग पर थोड़ा केमिकल और फिजिकल भी देते हैं जैसे कि पहला है रस्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है दूसरा देते हैं बेंडिंग वायर तीसरा हम देते हैं कर्डलिंग का एग्जाम्पल देते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क चौथा देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन डाइजेशन देते हैं पांचवा आपको देते हैं फिजिकल चेंज है चॉपिंग वुड चॉपिंग मतलब उसको तोड़ना चॉपिंग वुड दिख रहा है यस मैम कौन थोड़ा नीचे और सभी लिख लिया इसको आपको क्लासिफाई करना है यानी कैटेगरी वाइज डालना है कौन सा फिजिकल चेंज में जाएगा और कौन सा केमिकल चेंज में डालेगा आएगा ठीक है तो
रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ वायर, कर्लिंग ऑफ व्हील, डाइजेशन, चॉपिंग वुड, और मैम बेंडिंग मतलब क्या बेंड होता मतलब है? मुड़ना, बेंडिंग मुड़ा हुआ या मोड़ना। सबने लिख लिया? यस मैम। यहाँ पे और एग्जांपल यस मैम। यहाँ पे लिखे दिख रहा है? यस दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? कटिंग है, दिख रहा है? यस मैम। स्ट्रेचिंग, यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देंगे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अब आप लोग बताओ कौन सा इसमें फिजिकल चेंज है, और भी एग्जाम्पल है लेकिन आप इसमें बता दो, ठीक है, कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। मैम, 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 ये आप क्या लिखे, कटिंग के बाद क्या है? कटिंग हेयर, हेयर बाल, और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। मैंने फिर से कुछ एग्जांपल डाल दिए हैं उस वाले के, ठीक है मैम। सेवन में क्या लिखा हुआ है? सेवन में मैंने लिखा है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को इस तरह से खींचते हैं ना, रबर बैंड को इस तरह से, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ये फिजिकल चेंज में जाएगा या केमिकल चेंज में जाएगा? तानिया ने सबसे पहले किया है, केशव ने सबसे पहले किया है, तो शुरू करते हैं केशव से। केशव, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। ओके, अर्पित ने भी कर लिया, आई हैव डन मैम। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इक्वल केमिकल चेंज, मैम केमिकल, केमिकल चेंज। हाउ, हाउ इट इज अ केमिकल चेंज? मैम क्योंकि ये बिकॉज मैम क्योंकि वापस अपने अपने स्टेट में में वापस बिकॉज हियर this example a new substance is formed here, है ना? That's why it will become a, ये आएगा इसमें, it will become a chemical change. Okay, सही है केशव। Next, bending of a wire, physical or chemical? Physical change. Physical or chemical? Bending of a wire. Physical change. Physical change. Very good, Soumya. Next, Soumya. हाँ ठीक है केशव, बिल्कुल सही, म्यूट कर लो। Soumya, unmute yourself. Yes, ma'am. Curdling of milk, physical or chemical change? Ma'am, chemical change. क्यों? Ma'am, because curdling of milk, उससे हम curd हमें मिलता है. बिल्कुल अलग चीज है ना, मिल्क से बिल्कुल Yes, एक ma'am. अलग चीज, एक नया चीज मिला, इसलिए curdling of milk क्या हो गया जाएगा, क्या हो तो जाएगा, chemical change. केमिकल चेंज। क्लैपिंग फॉर Chemical change. चॉपिंग ऑफ वुड, तानिया चॉपिंग ऑफ वुड, अगर हम वुड को छोटे छोटे पीस में तोड़ दें तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तानिया, मैम फिजिकल चेंज। वेरी गुड। रिदम, रिदम प्रधान, क्या नाम है आपका बच्चा? रिदम प्रधान, आवाज जा रही है प्रधान, आवाज जा रही है? यस मैम। चलिए आप बताइए, कटिंग हेयर, बालों को काटते हैं ना, काट रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मैम फिजिकल चेंज। क्यों? मैम क्योंकि उससे कुछ नया चीज बन रहा है। नया चीज नहीं बन रहा है इसमें, साइज में ना नया चीज नहीं बन रहा, और यहाँ पे साइज इसका बदल रहा है ना, चीज तो हेयर ही ना, कटने के बाद ऐसा तो नहीं हेयर कुछ और बन गया, स्किन बन गया, है तो हेयर ही ना, वो कट के अलग हो तरह डाल दो। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अर्पित, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर केमिकल चेंज, इज इट अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? मैम फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। अब मुझे स्नेहलता, 6F पे है जो, स्नेहलता आवाज नहीं जा रही आपको? स्नेहलता 6F,
Sneelata from 6F. Yes ma'am. Are you getting my advice? Yes ma'am. आपको मैंने कुछ क्या मैम आप सभी को मैंने कुछ सात एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल को कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग सेपरेट करना था कि कौन सा हमारा फिजिकल चेंज में जाएगा और कौन सा केमिकल चेंज में। इसने लगा मुझे सातों के सातों आप मुझे बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल और केमिकल? मैम केमिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ अ वायर केमिकल और फिजिकल? मैम केमिकल चेंज। Is it right? Keshav, physical or chemical? Ma'am, physical change. You? Ma'am, kyunki isse koi naya product nahi ban raha hai. Bas ek yahi ek reason hai, Soumya. Soumya, bas ek yahi reason hai ki ek koi naya cheez nahi ban raha hai, isliye physical mein aa jaye. कौन करेगा आंसर? कौन करेगा आंसर? अर्पित? यस मैम। ये फिजिकल चेंज है पर क्यों? मैम क्योंकि उसको बेंड करने के बाद वो है तो एक वायर ही, इसलिए शेप चेंज हुआ तो कंपोजिशन थोड़ा चेंज हुआ। भाई बेंड कर दे तो उसमें एल्युमिनियम आ जाएगा भाई, है तो वो अगर लोहे का, अगर तो आयरन का वायर है तो आयरन ही रहेगा, जिंक है तो जिंक वो भी है, ठीक है तो है तो वायर। लेकिन यहाँ पर फिजिकल चेंज में मैंने कल आपको बताया था जिस वस्तु के शेप में, साइज में, कलर में, है ना, स्टेट में बदलाव देखने को मिले उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। नहीं बनती, ठीक है केशव? मुझे सारे एग्जाम्पल को आप वन बाई वन करके सारे स्टूडेंट को बताओ कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, जल्दी जल्दी। मैम रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, बेंडिंग ऑफ वायर फिजिकल चेंज, कर्डिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, चॉपिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ हेयर फिजिकल चेंज, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर फिजिकल चेंज। वेरी गुड अर्पित, वाह अर्पित कमाल कर दिया तुमने, गुड। सौम्या, अर्पित ने केशव ने सब सही बताया? यस मैम। अब एक और भी कर लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कर लेते हैं, कर लें? यस मैम। देख ली, चलो फिजिकल की जगह पे हम क्या कर देंगे, रिवर्सिबल वहां पे कर दीजिए और इरिवर्सिबल कर दीजिए, ठीक है, रिवर्सिबल कर दीजिए और वहां पर इरिवर्सिबल लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखा फिजिकल और केमिकल, वहां पे रिवर्सिबल कर दो और एक जगह इरिवर्सिबल कर दो, ठीक है। सबने कर लिया? यस। चलो बर्निंग, यस बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा है मेल्टिंग, melting of ice, baking, sorry, baking of chapati, ठीक है। और एग्जाम्पल, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग नहीं देते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। और दिन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
रहा है सभी को? यस मैम। बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ चपाती, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, आपको कैटेगरी वाइज इसको सेपरेट करना है कौन सा आपका रिवर्सिबल चेंज है और कौन सा इरिवर्सिबल चेंज। मैम साइड होएगा क्या? यहाँ पे दे सकते हैं डिजॉल्विंग, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, शुगर इन वॉटर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया, शुगर भी लिख सकते हैं या फिर हम सॉल्ट भी लिख सकते हैं। मैम अभी क्या लिखी है? Dissolving of sugar in water. छह एग्जाम्पल में दिए हैं आपको। Burning of paper, melting of ice, baking of chapati. अर्पित हमेशा फास्ट जा रहे। Condensation, evaporation और dissolving of sugar in water. रिदिम प्रधान, चलो शुरू करते हैं। बच्चा आप प्रधान, आपका नाम क्या है? नाम रिदिम प्रधान। रिदिम प्रधान, मैंने सही नाम लिया आपका ना? स्नेह रतन ने तो बहुत अच्छी कोशिश की थी, स्नेह रतन ने पूरा का पूरा आंसर। अब करेंगे रिदिम प्रधान, प्रधान है भाई तो चलिए इनको प्रधान देते, प्रधान का देते जो भी है। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। Burning of paper, reversible change or irreversible change? Not irreversible change. Irreversible or reversible? Not irreversible. सही है स्नेहलता, प्रधान बिल्कुल सही आंसर कर रही है स्नेहलता। Yes ma'am. Irreversible या reversible? Reversible ना? Ma'am irreversible. नहीं नहीं reversible. Not irreversible. नहीं नहीं reversible. No. Irreversible. Very good. Tanya, evaporation. Yes. Evaporation, reversible change or irreversible change? Ma'am, irreversible change. Irreversible change. Arpit. Yes, ma'am. Evaporation, reversible change or irreversible change? मैम रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज, यस। वेरी गुड तानिया, अर्पित ने जो आंसर किया बिल्कुल सही, इवेपोरेशन एक रिवर्सिबल चेंज भी जाएगा। ठीक है सौम्या, सौम्या आवाज जा रही है? यस मैम। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज? मैम इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, डिसॉल्विंग ऑफ वाटर एंड डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। केशव और स्माइल दे रहा है, लगता है केशव को इसका आंसर पता है। केशव, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। यस मैम। रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज बिल्कुल सही। केशव तो बहुत स्मार्ट हो गया है, लगता है वेकेशन में, वेकेशन के वक्त को अच्छा यूज किया है केशव ने। बिल्कुल सही केशव का आंसर है। एक बार केशव फटाफट कैमरा ऑन करके सारे आंसर एक बार आप दे दो। केशव मैम बर्निंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस। कैमरा ऑन कीजिए। मैम कैमरा ऑन, मैम ऑन है, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। बर्निंग ऑफ पेपर। चलो अर्पित, आदित्य, आदित्य कहाँ है भाई? आदित्य बस आदित्य दिख रहे हैं, आदित्य कहाँ है? दिख नहीं रहे आदित्य। आदित्य, काव्या, आदित्य आप दिख नहीं रहे मुझे, इनविजिबल मैन की तरह दिख रहे हो आप यहाँ पर हो, लेकिन होगी भी नहीं जो है जो जिनका वीडियो ऑन है। काव्या फ्रॉम 6E,
एक बार सभी को आप बता दो कि ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में आपने इसको किया है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग, इरिवर्सिबल, बेंडिंग ऑफ आइस, रिवर्सिबल, बेकिंग ऑफ चपाती, इरिवर्सिबल, कंडेंसेशन, रिवर्सिबल, इवेपोरेशन, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सौम्या सही करो, इवेपोरेशन, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। मैम फिर से बोलिए। ये होगा रिवर्सिबल। तेजस बिल्कुल सही। तेजस पांडे, तेजस भी नजर नहीं आ रहे। तेजस कहाँ हो, दिख नहीं रहे तुम तेजस? तानिया, इवेपोरेशन जो होगा वो रिवर्सिबल चेंज में जाएगा, डिसॉल्विंग ऑक्सीकरण इन वाटर ये ही इसमें जाएगा। तो आज हम लोगों ने जितने भी चेंजेस पढ़े थे उसके एग्जांपल्स को, उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किया है। अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम रिवीजन में जाएंगे। मैम चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर भेज दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ बना के मैम मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, सबको इधर से मैंने सबको म्यूट कर दिया है। सभी चाहते हैं कि हम चैप्टर 4 को रिवाइज करें, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में रहेगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? हो सकता है हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोग से पूछने के लिए ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ चैप्टर है, ठीक है? तो कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए क्लास के साथ, ठीक है? चलो ठीक है।